स्वागत है किसान भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत। जो हम अप्रैल माह में गन्ने की बुआई करते हैं उस पे कुछ सावधानियां हों जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं। आप लोगों को पूरा वीडियो देखिएगा। गन्ना काटने से पहले पानी लगाएं उसके अंदर, जिसमें से हम बीज ले रहे हैं, बीज का चुनाव कर रहे हैं, और ले जाते समय बहुत सावधानी बरतें जो आँखें ख़राब ना हों। इसको हम ट्रॉली वगैरह से जब लेके जाते हैं तो बहुत सावधानी से बीज को पकड़ के उतारना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये PB 434 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और खेत को प्लेन कर दें। बीज उपचार बवस्टीन या मैंकोजेफ 100 ग्राम 100 लीटर दवा के 1 एकड़ के लिए बहुत है। इस तरह से आप किसान भाइयों 15 मिनट के लिए स्वस्थ आँख के टुकड़े भिगोएं और इस तरह से आप निकालते चले जाएं। तो भाइयों, जो हम अप्रैल में बुआई करते हैं, खेत में नमी पूरी होनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो एक पानी लगाने के बाद ही रेजिंग करनी चाहिए। और जो दूरी है किसान भाइयों, वो आपकी 27 इंच लाइन टू लाइन की दूरी रखें। आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं, नमी 75% खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। अच्छा, अगर जमाव हमको लेना है गन्ने का, इतना किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें इस बात का। खेत बहुत ही अच्छे तरीके से बना होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जिंक सल्फर आप पहले मिक्स कर दें खेत के अंदर लास्ट जुताई पे, 15 से 20 kg सल्फर और 15 से 20 kg आप जिंक ले सकते हैं, 1 एकड़ की मात्रा है। फर्टिलाइज़र जो है DAP 75 kg की जगह आप उसको 60 kg कर दें। पोटाश की मात्रा 50 kg की जगह 30 kg रखें 1 एकड़ की। असल में किसान भाइयों, पोटाश बहुत गर्म करती है और जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अप्रैल माह में ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए पोटाश की मात्रा कम ही रखनी चाहिए। जो हम फरवरी माह में बुआई करते हैं उसमें 1 कट्टा पोटाश का यूज करते हैं 1 एकड़ में, लेकिन अप्रैल में किसान भाइयों ये सावधानी ज़रूर रखें फर्टिलाइज़र पे, जो मात्रा मैंने बताई है इतनी ही मिक्स करें। यूरिया आप 4 से 6 kg पर बीघा ले सकते हैं। मिट्टी डालने की भी काफ़ी सावधानी